जिला अल्मोड़ा में हुए दुर्भाग्यपूर्ण बस हादसे पर बोलते हुए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। बस जो रामनगर की तरफ आ रही थी, मरचुला अल्मोड़ा जनपद के पास गहरी खाई में गिर गई और काफ़ी लोगों को इसमें दिवंगत हुए हैं, काफ़ी लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए आसपास के अस्पतालों में भेजा जा रहा है, रामनगर भेजा जा रहा है। एम्बुलेंस तत्काल भेजी गई हैं, सभी अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और साथ ही घायलों को इलाज के लिए जो भी समुचित व्यवस्था है वो समुचित व्यवस्था की जा रही है। और जो घटना में जिनके कारण से घटना हुई है, कोई लापरवाही हुई है, तो कमिश्नर कुमाऊं के मजिस्ट्रियल जांच इसकी करेंगे और संबंधित विभाग RTO और उनको निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। जो हताहत हुए हैं उनके परिजनों को सहायता के लिए भी तत्काल आदेश कर दिए गए हैं। मैं स्वयं इस पूरी घटना को देख रहा हूं और जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं उनको तत्काल सीधे अस्पतालों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए हेली एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रही है, कुमाऊँ कमिश्नर कर रहे हैं, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव श्री विनोद सुमन जी भी इसमें लगे हैं, गृह सचिव भी तत्काल STRF की टीम और अन्य से समन्वय बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी घायलों को समुचित सहायता मिले, उनको अच्छा उपचार मिले, जल्दी वो स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और जो इस घटना में हताहत हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सभी जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों के साथ हैं और जो घायल हैं उनके साथ भी हम खड़े हैं कि जल्दी से जल्दी उनका भी समुचित इलाज हो।